वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ गिग्स। आज हम इस कैनवा के टेम्पलेट को अल्टर करेंगे और देखेंगे हम कैसे हम इससे नए वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। और कैनवा एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है जिससे आप कई किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इट्स फन टू यूज़, इट्स सो वर्सेटाइल। इस चैनल में मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे वीडियोज़ ला के दूँ जिससे आप खेल खेल में कैनवा से काम करना सीख जाएँ। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपको, जो भी डाउट्स हों, जो जो फीचर्स कैनवा के आपको यूज़ करने में अनकम्फर्टेबल होते हों, विद टाइम विद प्रैक्टिस वो बेटर हो जाएंगे। हम कैसे इन अ फन वे हम कैसे नए से नए डिज़ाइन बना सकते हैं, मेरी कोशिश वही रहेगी। तो आज हम इस टेम्पलेट को उठाते हैं। ये एक हेलोविन टेम्पलेट है, बड़ी अच्छी टेम्पलेट है। देखते हैं हम इसको कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे इसको हम अल्टर कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दिस। ये कलर कॉम्बिनेशन है, पहले इसमें हम देखते हैं इसका, क्योंकि कई बैकग्राउंड ऐसे होते हैं जिनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें क्योंकि तीन डिस्टिंक्ट कलर्स हैं तो हम इनके कलर्स को अल्टर करके देख सकते हैं क्या इफेक्ट आते हैं। लेट्स सी, सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। लेट मी डू दिस विद दिस वन एज वेल। देखिए ऑलरेडी सिर्फ एक चेंज करने से ही, एक एलिमेंट का कलर चेंज करने से ही पूरी टेम्पलेट का लुक ही चेंज हो गया है। तो लेट्स सी व्हाट मोर वी कैन डू विद दिस टू मेक इट बेटर। ये इमेज है जिसका कलर नहीं बदला जा सकता, लेकिन इफेक्ट से हम इसके अंदर शेड्स डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। लेट मी मेक इट फेस्टिव। नो दिस इज नॉट वर्किंग, दिस लुक्स वेल। ओके, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाते हैं हम। यस, सेम विद दिस वन। अगेन इसकी इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं। सी नाउ दे लुक मच बेटर ऑलरेडी। तो हम इस मून के साथ देखें क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, थोड़ा साइज इसका बड़ा करके देखते हैं। थोड़ा सा एक फील आता ना, चांद नीचे आ गया जमीन पर, वो वाला। इसके शेड्स को हम अल्टर करके देखते हैं। अगेन तीन शेड्स अवेलेबल है, वी कैन इजीली चेंज ईच वन ऑफ देम। तो डार्क को, इसको ब्लू को हम अगर ऑरेंज शेड करके देखते हैं, इफ इट लुक्स नाइस ओवर हेयर। ग्रे वाले को एक्चुअली ऑरेंज करते हैं। यस, अब और इस वाले को हम इस शेड को ऑरेंज की जगह कुछ और ऑल्टर करते हैं। दिस वाला, दिस वन शुड बी ऑरेंज, और इसको हम करते हैं मे बी वाइट। यस, और इसको भी बदलते हैं। इसको क्या करें हम, लेट्स ट्राई येलो मे बी। नहीं, तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी एक टोटली न्यू इमेज बन चुकी है जो पहली इमेज से बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत डिफरेंट है। तो और देखें कुछ कर सकते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड को अगर हम से ब्लू करते हैं, या इट लुक्स सो ब्यूटीफुल इजंट इट। लेकिन इसके साथ ये मून नहीं जा रहा है, तो इसके शेड्स को हम फिर ऑल्टर करके देखते हैं व्हाट वी कैन डू विद दिस। इसको फिर हम वापस चेंज करते हैं। नाउ दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। सब कलर्स आपस में मैच कर रहे हैं, ब्लैक क्लाउड्स भी अच्छे लग रहे हैं, एक डार्कनेस का फील आ रहा है, और जो हमारे घोस्ट एलिमेंट्स हैं, जो क्यूट से घोस्ट हैं, वो भी उठ के सामने आ रहे हैं। हम चाहें तो टेक्स्ट को बदल सकते हैं। से लेट मी मेक इट हैप्पी हेलोविन, और लेट मी मेक इट हेलोविन पार्टी। थोड़ा सा साइज को रिसाइज करेंगे ताकि फिट बैठ जाए यहाँ। यस, सी हाउ इंटरेस्टिंग इट लुक्स नाउ। हमने सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को चेंज किया है, कुछ कलर्स को चेंज किया है, कुछ कंट्रास्ट को बदला है, और एक नया यूनिक डिज़ाइन, जिस जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी अपनी ओरिजिनल क्रिएशन है, वो बन के तैयार हो गया। आप ऐसे हज़ारों डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी भी टेम्पलेट को लेके उसके कई वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो पर्पस इस चैनल में यही है कि ऐसे ही डिज़ाइंस आपको दिखाए जाएं, ऐसे ही ये आर्ट आपको सिखाई जाए धीरे धीरे धीरे। बहुत से चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिसमें कैनवा के बारे में 15 मिनट में 20 मिनट में बताया जाता है। कैनवा इतना एडवांस और इतना मल्टी लेयर्ड सॉफ्टवेयर है कि इसमें इतनी वेरिएशंस हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करें कम है। तो मेरा पर्पस इस चैनल में यही है कि मैं आपको एक एक टेम्पलेट उठा के उसमें वेरिएशंस करके दिखाऊं, ताकि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आए
और इसको कोई आप काम या कोई प्रेशर ना समझें, इसको सिर्फ आप एक फन एक्टिविटी की तरह समझें, और देखते देखते चंद दिनों में आपका हाथ साफ हो जाएगा कैनवा में और यू विल बिकम अ वेरी गुड कैनवा डिज़ाइनर। आप इससे किसी भी प्रकार की टेम्पलेट बना पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक दिस। इसको डाउनलोड करना हो तो हम बाय द वे यहाँ से कर सकते हैं, और मैं ये लेट मी डिस्क्लोज इट, आई एम यूजिंग अ प्रो वर्जन, क्योंकि टेम्पलेट्स की रेंज और फंक्शनैलिटी बहुत सारी मिल जाती है हमें प्रो वर्जन में, जो कि फ्री वर्जन में नहीं मिलती। हालांकि फ्री वर्जन भी कैनवा का बहुत ज़बरदस्त है, 90% डे टू डे काम तो फ्री वर्जन से हो सकते हैं, बट सर्टनली प्रो इज़ बेटर। तो जैसे जैसे हम आगे टाइम बढ़ेगा, नई नई वीडियोज़ आएंगी, तो आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, और प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है, और कैसे आप प्रो फीचर्स को यूज़ करके और बेहतर डिज़ाइन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉचिंग, कंसिडर सब्सक्राइबिंग लाइव किक्स अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियोज़ इसमें आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।